नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आशा करता हूं कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करवा लिया होगा। इनकम टैक्स ई फाइल करवाने के बाद कुछ साथियों ने इनकम टैक्स जमा किया होगा तथा कुछ साथियों का इनकम टैक्स रिफंड आना बाकी है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम ये जान पाएंगे कि हम अपना जो हमारा रिफंड का स्टेटस है उसको किस प्रकार से चेक करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, उन मेथडों से हम जान सकेंगे कि हम अपना हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड इनकम टैक्स के साइट से जनरेट हुआ है उसका प्रोसेस या स्टेटस कहाँ तक, इसका प्रोसेस कितना हुआ है और हमारा रिफंड हमको इश्यू हो गया है अथवा नहीं हो गया है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। साथियों, सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में हम ITR सर्च कर लेंगे और इनकम टैक्स का जो ये पहला एड्रेस है इसको सर्च कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारा इनकम टैक्स का पेज खुल चुका है और इसमें माई अकाउंट्स सेक्शन में जाकर व्यू 26AS को क्लिक कर लेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर्स सेलेक्ट कर लेंगे, HTML पहला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और व्यू टैब को इस प्रकार हमारा 26AS का जो पेज होगा वो खुल चुका होगा जिसमें हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें एक सेक्शन पार्ट डी होगा, पार्ट डी, तो पार्ट डी डिटेल पेड और रिफंड, असेसमेंट ईयर, मॉड, रिफंड इश्यूज, नेचर ऑफ रिफंड, अमाउंट ऑफ रिफंड, इंटरेस्ट और डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे अगर हमारा इश्यू हो गया होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, अगर इश्यू नहीं हुआ है तो यहाँ पे अभी प्रोसेस में चल रहा है ये। तो एक तो तरीका हमारे पास 26AS से अपना रिफंड का स्टेटस जानने का एक पहला तरीका ये था। तरीके से हम अपना जो इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है, आइए दोस्तों उस ओर ले चलता हूँ आपको। अब ये सेकेंड मेथड में जो हमको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसको जो इनकम टैक्स का जो पेज खुलेगा उसको हल्का सा स्क्रॉल कर और यहाँ पे चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन ई फाइलिंग अकाउंट जिससे हम पहले कर चुके हैं और कंटिन्यू टू NSDL वेबसाइट इस वाले टैब पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इंटरफेस खुल चुका है, अब इसमें हम अपनी पैन डिटेल भरेंगे और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे, अब प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा स्टेटस क्लियर हो चुका है, योर असाइनिंग ऑफिसर हैज़ नॉट सेंड दिस रिफंड टू रिफंड बैंकर प्लीज। साथियों, अभी रिफंड हमारा आया नहीं है, तो इन दो मेथडों से आप जान पाएंगे कि आपका रिफंड इश्यू हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्लियर हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसको मोबाइल या अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप किसी में भी करें तो इंटरफेस दोनों में एक जैसा खुलेगा। और जो हमारा पहला वाला मेथड था वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो सेकेंड वाले मेथड से भी हमको पता चल जाता है, परंतु हम उससे पहले पहला वाला जो 26AS फॉर्म 26AS है उससे चेक करेंगे तो हमको एक्चुअल स्टेटस है वो पता चल जाएगा। तो साथियों, दो मेथडों से आपने अपने रिफंड का स्टेटस जाना। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो या हो कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जिसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।